देख रहे हैं शहर का नंबर वन टीवी न्यूज सत्यवार्ता। मैं हूं नीलम तिवारी। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के होली के पर्व पर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई जिला अध्यक्ष व गट नेता रामचंद्र घरत और माजी नगर सेविका सौ विजया घरत के हाथों तुरभे गांव के कई वार्डों में उपहार के रूप में मैदा, चीनी, बेसन और मिठाइयां बांटकर लोगों के साथ दिवाली मनाया, जो 1 नवंबर से लगातार 6 दिनों तक बांटते रहे, जिसका लाभ 2,500 लोगों ने लिया और भी लोगों को दिया जा रहा है। नवी मुंबई से परमेश्वर सिंह की रिपोर्ट। रामचंद्र घरत सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए नवंबर के सारे वासियों को मैं इस दीपावली की शुभकामना देता हूं और आने वाला साल इस नवंबर के पूरे नागरिक को एक अच्छे आरोग्यदायी जाए, एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग उनको मिले और अपने परिवार के साथ एक हंसते खेलते हुए उनका गुजारा हो सके, ऐसे में उनको शुभकामना देता हूं। और आने वाले साल में प्लास्टिक मुक्त नवंबरी का आह्वान करता हूँ और थर्माकोल मुक्त नवंबरी का आह्वान करता हूँ और सारे नवंबरी वासियों को दीपावली की शुभकामना। सर, ये जो कहा गया है कि पटाखे के लिए कोर्ट ने बताया कि आप 2 ही घंटे आप बजा सकते हैं, तो ये क्या 8 से 10 बजे का टाइमिंग है, उसके लिए आप पब्लिक के लिए क्या देना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे हैं कि नहीं घर के लिए बोलते हैं, जिद करके बैठते हैं हमको बजाना है, उसके लिए आप क्या बता सकते हैं? 8 से 10 टाइमिंग एक्चुअली उसी टाइम में पटाखे बजती है जनरली, और उससे पहले थोड़े छोटे छोटे बच्चे लोग छोटे छोटे बजाते हैं अपने खेल के हिसाब से, लेकिन देखा जाएगा तो 8 से 10 यही टाइम में हम लोग पटाखे बजाते हैं। और पोल्यूशन मुक्त अपने को ये युवा पर करनी है, भारतवासियों को पोल्यूशन मुक्त होना है। बहुत बड़े पोल्यूशन की समस्या आपके भारत में अभी आ रही है, मुंबई में तो बहुत बड़ी उसकी समस्या है। कोर्ट ने सोचा होगा, कोई पीआर किसी ने दाखिल किया होगा, कोर्ट ने सोचा होगा कि पोल्यूशन अगर कम होना है, कम करना है, कर्कश आवाज़ जो आती है उसको कम रखना है, तो एक उसने डिसीजन दिया होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ 8 से 10 यही टाइम में लोग आज पीछे भी पटाखे बजाते थे, आगे भी वही टाइम में बजाएंगे। इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।